गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू जो है समझाऊंगी। तो जैसे कि मेरे पास एक है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्स मेरे पास दिया हुआ है ए टी स्क्वायर, वाई मेरे पास है 2 AT और मेरे को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर डी एक्स ओवर डी टी निकाल सकती हूँ। सो सिंपली डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो ये मेरे पास पावर रूल आ जाएगा, 2 आगे ए टी 2 माइनस 1। ठीक है, दैट इज 2 AT। ठीक है, दूसरी जगह मैं y इज इक्वल टू 2 AT इसका भी डिफ्रेंसीशन ले सकती हूँ, डिफ्रेंसीशन विद रिस्पेक्ट टू टी। डी वाई बाई डी टी मेरे पास क्या निकलेगा, सिंपली 2A। यहाँ पे भी पावर रूल लगा है, टी का 1 है पावर, 1 आगे आ गया, 1 माइनस 1 0, तो टी का पावर 0 तो 1 आ गया, तो 2A आ गया। ठीक है, मेरे को निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी टी इन टू डी टी ओवर डी एक्स, ये दोनों कैंसिलेशन में जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो मैंने अब कैसे निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी मेरे पास 2A सिंपली आ जाएगा इन टू 1 ओवर 2 AT, इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये 2A 2A कैंसिल हो गए, 1 बाई टी मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया डिफ्रेंसीशन का, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स आ गया, राइट। ठीक है, डिफरेंशिएशन के वही रूल्स लगने हैं, सिर्फ फ़र्क यहाँ पे कितना है कि डी वाई बाई डी एक्स की जगह टी है आपके पास, तो हमने एक्स को भी डिफरेंशिएट कर लिया टी के साथ, वाई को भी डिफरेंशिएशन कर लिया, और फिर उन दोनों में देख के कि डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकल सकता है, डी वाई बाई डी टी डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से करके आपने निकाल दिया, सिंपल रूल। ठीक है, दूसरा मेरे पास एक सम है डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो एक बार के लिए मैं क्या ले लेती हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये ले लेती हूँ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए मेरे को क्या निकालना है, डी वाई बाई डी जेड। ठीक है जी, निकालना मुझे ये है क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस। मैं निकाल क्या सकती हूँ, अब देखते हैं। पहले डिफरेंशिएशन करते हैं ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन रूल लगा दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी 2x ही आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास बन गया 2x प्लस 2x का क्यूब माइनस 2x का क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ गया, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अब दूसरी तरफ मेरे पास z है, तो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x मेरे पास क्या आ जाएगा, dz ओवर dx इज इक्वल टू 2x, पावर रूल हमने सिंपली लगा लिया। मेरे पास dy बाई dx आ गया, dz ओवर dx आ गया। अब मेरे को निकालना क्या है, फाइंड, तो मेरे को ये करना है, डी वाई बाई डी जेड मेरे पास कैसे आ जाएगा, सिंपल डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी जेड। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर दूंगी, रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आ गया 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 1 बाई 2x, 2x के साथ 2x कैंसिल हो जाएंगे, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो है हमारे पास रह जाएगा। सो ये है सिंपल पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, वैसे ही है जैसा आप कर रहे हैं, बस हमें ये देखना है कि हमारे पास डिफरेंशिएशन
किस रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।